नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब हर दिन खौफ का नया रिकॉर्ड बना रहे कोरोना, 24 घंटे में 44,000 नए केस से दहशत में भारत। कोरोना का कहर, कई राज्यों में स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में आज लॉकडाउन, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। देश भर में मौसम करवट लेने वाला, उत्तर से मध्य भारत में बारिश की संभावना। कई राज्यों में भी तेज धूप से मिलेगी राहत। बंगाल में पीएम मोदी और शाह की रैली, भाजपा आज जारी करेगी चुनाव घोषणा पत्र। बिहार में 12 साल की बच्ची ने तोड़ा सब्जी का पौधा, पड़ोसी ने कैरोसिन डालकर जिंदा जलाया। पुलिस कर रही है मामले की जांच, अस्पताल में बच्ची का चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गैस रिफिलिंग की दुकान में धमाका, एक साथ ताबड़तोड़ 18 गैस सिलेंडर फटे, लगी भीषण आग। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला, पथराव में चौकी इंचार्ज, हेड कांस्टेबल और एक महिला कर्मी घायल। मोहाली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर, कार को टक्कर, साइकिल समारोह को रोदा, 3 लोगों की मौत। शिवमोगा में किसानों से बोले राकेश टिकैत, बेंगलुरु को दिल्ली बनाने की जरूरत, शहर का चारों ओर से करे घेराव। होली पर जांच अभियान में पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने यूपी के युवक से बरामद की 60 लाख रुपए की चांदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान पर जमकर बवाल काटा जा रहा है। सीएम तीरथ के बयान पर भड़की कटप्पा की बेटी, क्या पहनना चाहिए ये हमें ना सिखाएं। रामनगरी में रंग पर इस बार खास होगी अयोध्या की होली, 492 साल बाद मंदिरों में होगा उत्सव। गोरखपुर को आज प्रेक्षागृह का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री योगी, बाद में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हाथरस में मथुरा बरेली मार्ग पर डीसीएम और बस में भिड़ंत, 12 घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। आज का बुलेटिन आपको कैसे लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।